अन्या जो कि पहले भी ये कह चुकी है कि शालीन का पल्लू पकड़ के सुंबुल आगे चल रही है, अब एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है, बिग बॉस से खुद जाकर के कह दिया है कि सुंबुल के दिल में शालीन के लिए इमोशन से फीलिंग है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या ये पूरी अपडेट। वेल, ये एक मुद्दा है जो मुझे लगता है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शालीन और सुंबुल किसके मन में किसके लिए फीलिंग है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोग जो बिग बॉस के घर में रह रहे हैं अब एक बार फिर से वो सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस बार तो हम देख रहे हैं कि बिग बॉस किस तरीके से चुगली चुगली खेल रहे हैं। बिग बॉस काफी ज्यादा एक्टिव है इस वक्त, बिग बॉस काफी ज्यादा कंटेस्टेंट से खेल भी रहे हैं, जो कि यहां पर दर्शकों को भी मजा आ रहा है। तो यहां पर बिग बॉस ने कंटेस्टेंट को एक मौका दिया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, हो सकता है कि ऐसा करके इनको कुछ हासिल हो कोई टास्क हो। तो बिग बॉस यहाँ पर कहते हैं कि आपको मौका मिलेगा चुगली करने का, जिस पर कंटेस्टेंट बारी बारी आएंगे और बिग बॉस से चुगली करेंगे। अब यहाँ पर मान्या जाती हैं, वो कहती हैं कि कन्फर्म है, वो इस टाइप से कहती हैं कि कन्फर्म है सुंबुल को शालीन के लिए इमोशन है। जब जब टीना शालीन के आसपास से गुजरती है आती जाती है तो सुंबुल के मन में कहीं ना कहीं वो एक जेलस की भावना आती है। ये चीज़ उन्होंने बोली है कि मतलब जब भी शालीन और टीना साथ होते हैं तो सुंबुल के अंदर एक जेलस वाली फीलिंग आ जाती है, ये बात मान्या ने कही है। अब ये बात कितनी सच है, तो दोस्तों आप लोग भी शो को देख रहे हो, मैं भी शो को देख रही हूँ और सुंबुल कई बार उस चीज़ को क्लियर कर चुकी है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था कि सुंबुल ने कहा था कि इन सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए मुझे एक झूठ बोलना पड़ा कि बाहर कोई है मेरा, क्योंकि ये लोग इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे थे, लोग कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी बोल रहे थे, इनको गलतफहमी हो चुकी है। तो दोस्तों कॉमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि मान्या इस बार कितनी सही है। थैंक यू।